After adjusting, before adjusting any bad debts, वो इतने हैं। फिर उसने कहा bad debts इतने हो सकते हैं, और फिर कह रहा आपने doubtful debts का allowance इतना लेना है, और कुछ उसने 2010 का opening allowance भी बताया। तो अब क्या करेंगे? 2010 का opening allowance इसने कितना बताया? 10,000। तो अब 2010 का closing allowance कैसे calculate करेंगे? 196,860 में से पहले bad debts minus करेंगे, तो bad debts minus करके जो receivable बच जाएंगे उस पर हम allowance ले लेंगे, तो हमारा closing allowance होगा। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा? इसका फर्क ये पड़ेगा कि आपके पास bad debts तो पक्के जाएंगे ना। bad debts कितने जाएंगे सर, आप बताएं कितने bad debts हैं 2011 के? 1020 से हमें बता दिए bad debts खुद, नहीं मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ 2010 की। 2010 के कितने भैया? 1860। ये तो कंफर्म बैड डेट्स हैं, लेकिन अलाउंस की वजह से कितने बैड डेट्स बनेंगे उसके लिए मुझे अलाउंस का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब जब मैं अलाउंस का अकाउंट बनाऊंगा, जरा बताएं उसने मुझे कितना अलाउंस दिया? ओपनिंग अलाउंस दिया मुझे 10,000। अब मैंने क्लोजिंग अलाउंस कैलकुलेट करना है। बताए जी रिसीवेबल कितने थे हमारे पास? 196,860। इसमें से बैड डेट्स कितने हो गए थे? 1860। तो मैंने पहले बताया था पहले बैड डेट्स माइनस करेंगे। स्पेसिफिक अलाउंस है नहीं, स्पेसिफिक होता तो उस पर स्पेसिफिक ले लेते, लेकिन जनरल अलाउंस लेते हैं, स्पेसिफिक अलाउंस वालों को पूरा बैलेंस माइनस करते। स्पेसिफिक अलाउंस है नहीं तो जनरल अलाउंस का क्या रेट है? 5%। कितना बनेगा? 9750। तो क्लोजिंग अलाउंस आ रहा है 9750। ओपनिंग कितना था? 10,000। तो हैवी साइड का टोटल करेंगे 10,000, दूसरी तरफ लिखेंगे 10,000। और हमने क्या सीखा था कि अलाउंस का बैलेंसिंग हमेशा कहां जाता है? अलाउंस का बैलेंसिंग हमेशा कहां जाता है? बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट में जाता है। कहां जाता है जी? बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट में जाता है। तो कितना बनता है बैलेंसिंग? 250। तो 250 बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट इसको डेबिट कर रहा है, तो खुद क्या होगा? क्रेडिट होगा। और वैसे भी हमने कहा था इंक्रीज इन अलाउंस एक्सपेंस होता है, डिक्रीज इन अलाउंस हमारी क्या होती है? इनकम होती है। तो अलाउंस डिक्रीज हो रहा है तो हमें 250 का फायदा हो जाएगा। तो अलाउंस की वजह से टोटल बैड डेट एक्सपेंस कितना जाएगा जी? बोले 0160 ये जाएगा ना जी? 1610 हमारा बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा 2010 में। इसको जरा चेक करें, इसने हमें बैड डेट एक्सपेंस कितना बताया? वो कह रहा जी आपके बैड डेट्स होंगे 1860, बैड डेट्स होंगे 1610, और अलाउंस 250, अलाउंस आ रहा है 250। तो देखे उसने प्रेजेंटेशन उसकी, उसने बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट एक्चुअली बनाया, तो देखे पीएनएल में उसका कितना जा रहा है? पीएनएल में कितना जा रहा है? 1610 ही जा रहा है। बैड डेट्स कितने थे हमारे पास? बैड डेट्स थे हमारे पास 1860, और जो अलाउंस था वो हमारे पास 250 था। तो पीएनएल में कितना गया? 1610। तो इसने बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट कैसे बनाया? ऐसे बनाया, देखे बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट। बैड डेट्स कितने थे? 1860। तो बैड डेट्स एक्सपेंस की वजह से बैड डेट्स जब हम लिखते हैं तो बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा रिसीवेबल की वजह से। अलाउंस इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज डिक्रीज, तो बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट इसको डेबिट कर रहा है, तो खुद क्या होगा? क्रेडिट, 250 क्रेडिट होगा अलाउंस की वजह से। हैवी साइड का टोटल करें 1860, दूसरी तरफ लिखे 1860, तो बैलेंसिंग बताया कितना आएगा? 1610 बैलेंसिंग आएगा। और बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट का बैलेंसिंग हमेशा कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, पीएनएल में जाता है।
तो ये बुनियादी तौर पर हमारे पास ये एग्जांपल हुई हुई है। और अलाउंस का अकाउंट भी उसने बनाया हुआ है नीचे, ओपनिंग अलाउंस 10,000, क्लोजिंग 10,000, क्लोजिंग 9750, तो उनका आ रहा है 250। तो अभी आपने एग्जांपल नंबर 2 करनी है, जितना पढ़ा है इसको आपने आपने जो है अच्छी तरह से रिवाइज करना है। आपके पास 15-20 मिनट है, आपने जितना पढ़ा बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट इसको भी रिवाइज करें और ये एग्जांपल नंबर 2 भी पूरी करें। और एग्जांपल नंबर 2 के ये तीनों साल 2010, 2011, 2012 अलाउंस के अकाउंट भी बनाए और बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट भी बनाए। और अगर कोई बात समझ नहीं आती तो वो पूछ लें। और वो जो मैंने स्पेसिफिक अलाउंस सिखाया था, तो स्पेसिफिक अलाउंस के लिए आपके पास एग्जांपल नंबर 3 एक अच्छी एग्जांपल है, उससे आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक अलाउंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। जिन लोगों पर स्पेसिफिक अलाउंस होता है उन पर जब जनरल अलाउंस कैलकुलेट करते हैं तो उनका पूरा बैलेंस इग्नोर करते हैं, उनका पूरा बैलेंस इग्नोर करते हैं। ये अच्छी प्रैक्टिस है, जरा जल्दी से ये करें शाबाश। पहले एग्जांपल नंबर 4 करें, एग्जांपल नंबर 2 करें और बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है। और इसके बाद एग्जांपल नंबर 3 भी ट्राई करें और देखें इनमें कितनी बातें आपको समझ आती है। एग्जांपल नंबर 3 वैसे घर जाके कीजिएगा, अभी सिर्फ एग्जांपल 2 करें और जितना पढ़ाया बैड एंड डाउटफुल डेट्स के इसको रिवाइज करें और बताएं क्लियर है कि नहीं।